आपको समझ में नहीं आता है कि अगर एक बालिका अपने घर में सुरक्षित नहीं है इस देश में, और उसका पिता उसका बलात्कार कर रहा है, क्यों? जब 6 अफसरों के ऊपर गाज गिरने की स्थिति आ गई, तो आप 2-8 दिन के अंदर आदमी पकड़ के ले आए और पेपरों में छपवाया। पुलिस विभाग की संवेदना मर चुकी है तो माय लॉर्ड, वी आर क्या? ट्रेवलिंग ऑन नो, द ऑर्डर पास बाय योर लॉर्डशिप ऑन 6/5/24। योर लॉर्डशिप, द नोटिस हैज बीन सर्व टू द योर लॉर्डशिप, द विक्टिम एंड द फादर ऑफ द विक्टिम एंड द मदर ऑफ द विक्टिम एंड सब्सिक्वेंट इन एफआईआर हैज बीन रजिस्टर्ड माय लॉर्ड। इसके फादर का नाम क्या? प्रोसिक्यूटर्स के एक सर उसके फादर का सेकेंड, पप्पू, पप्पू ओफ प्रेम नारायण जाट। पप्पू एलियस प्रेम नारायण जाटव यस पिता प्रोसिक्यूटर्स के बच्चे का बाप है। दैट एस पर दी मलो शुड डीएनए रिपोर्ट व्हिच हैज बीन लॉन्च मींस प्रोसिक्यूटर्स वाज रेप्ड बाय हर ओन फादर। फादर। और रिपोर्ट क्या लिखाते हैं? अगेंस्ट थर्ड पर्सन। थर्ड पार्ट क्या किया सर इसके बाद आपने? क्या सर वी आर अरेस्टेड हिम योर लॉर्डशिप, नाउ ही इज इन द कोई FIR रजिस्टर की है? रजिस्टर्ड हैज बीन डन योर लॉर्डशिप ऑन 18/5 अंडर द प्रोविजन ऑफ 376 और ना क्राइम नंबर बताइए। सर 275 ऑब्लिक 275/20 24 माय लॉर्ड पुलिस स्टेशन एट पुलिस स्टेशन माय लॉर्ड कैंटोनमेंट सागर। कैंट। यस कैंट सॉन्ग। अच्छा, ये कैंट टीआई ने तो कह दिया था कि सर सब बढ़िया है, सब बढ़िया है सर। बट भाई लॉर्डशिप हैज पास एन ऑर्डर योर लॉर्डशिप जब सिक्स ऑर्डर पास करेंगे तभी पुलिस द जाएगी। इन्वेस्टिगेशन हैज बीन हैंडेड ओवर टू द अदर। जब लॉर्डशिप ऑर्डर पास करेंगे तब पुलिस जाएगी। नहीं तो अब आप ये सुनिए, सुन लीजिए अब सर, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट को। एक माइनर गर्ल हुआ सब्जेक्टेड टू रेप बाय हर ओन फादर। यस हेलो ऑल द एफआईआर एक हैज बीन डन अवयस्क बालिका जिसका कि बलात्कार उसके खुद के पिता ने किया, यस मैम। राइट? और आप कहते हैं कि हम अपराधी को नहीं पकड़ सकते, जो ऑल ये एफआईआर आपका पिछली बार स्टेटमेंट था यस मैम और भी बहुत कुछ स्टेटमेंट थे सर। मतलब ऑल द एफआईआर वो तो हैज जब हम अड़ गए बीन थे कि मैम। जब हम अड़ गए थे कि जब डीएनए रिपोर्ट में अक्यूज्ड फिटस का बायोलॉजिकल फादर नहीं है, उसके बायोलॉजिकल फादर को ढूंढा जाए, तो आपने कहा था हम नहीं ढूंढ पाएंगे, बोला था। यस मैम और जब हमने इन्वेस्टिगेशन को चेंज किया और उसका पिता निकल आया, अब आप उस बालिका की मनस्थिति के बारे में विचार करेंगे? ये पुलिस विभाग, एक बालिका जिसके साथ उसके पिता ने रेप किया, उसकी मानसिक परिस्थिति पे आपको तो खैर क्या विचार करना सर? उसके बाद उसको प्रेशर डाल के घर वालों ने अपने पिता के अपराध को छुपाने का प्रेशर डाला होगा, उसके लिए पुलिस विभाग को क्या करना है सर? माय लॉर्ड हैज ऑलरेडी ड्रॉन एन माय लॉर्ड, अगर नहीं करते तो अटेम्प्ट आप कुछ नहीं करते, दैट विद ग्रेट इज द एफर्ट। अनफॉर्चुनेट थिंग। नो माय और लॉर्ड आज आपने बड़े 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 पेपर में बड़े बड़े अक्षरों में कुछ छपवाया है। हमने 2 दिन में ये कर लिया, क्यों? जब 6 अफसरों के ऊपर गाज गिरने की स्थिति आ गई, तो आप 2-8 दिन के अंदर आदमी पकड़ के ले आए और पेपरों में छपवाया, और इतनी हिम्मत नहीं हुई कि ये लिखाने के लिए कि कोर्ट के आदेश के अनुसार हम लेके आए। क्या विद ग्रेट रिस्पेक्ट ऑल द बात कर रहे हैं आप मिस्टर मोहन? ऑल द आप एफर्ट लोग क्या, क्या सर आप लोग की संवेदनाएं मर चुकी हैं क्या? पुलिस मतलब वी आर डन। विभाग की संवेदनाएं मर चुकी हैं नो माय लॉर्ड वी आर क्या? डन नो, मतलब व्हाई अ स्टेटमेंट वाज मेड इन दैट बेल एप्लीकेशन बाय दिस कैंट एसआई और PI सर, वी आर अनेबल टू लोकेट द रियल कल्प्रिट। और जबकि आपके डीएनए टेस्ट रिपोर्ट में जो आपने पेश की थी, आपने ये कहा था कि जो अभियुक्त 376 का मुकदमा फेस कर रहा है वो फीटस का बायोलॉजिकल फादर नहीं है। उसके बाद आप लोग की संवेदनाएं समाप्त हो गई और आपने उसके बायोलॉजिकल फादर को ढूंढने तक का प्रयास नहीं किया, और जब हमने आदेश दिया तो आप लोगों ने ठेठ भाषा में मना कर दिया था कि हमसे नहीं होगा। किया था कि नहीं किया था सर? यस क्या मैडम वी आर डन जवाब है आज आपका? वहाँ वो आप नहीं उस आपको उस बालिका की मानसिक परिस्थिति के बारे में कुछ नहीं समझ में आता कि आपकी संवेदनाएं समाप्त हो चुकी हैं? क्या मजाक बना के रखा हुआ आप लोगों ने सर? मात्र आपके आईजी को यह कहने के लिए कि आपका कैंट का टीआई बेकार है,
आप इन्वेस्टिगेशन चेंज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर चेंज कीजिए, आज आपके सीना ठोक के कह रहे हैं कि उसका पिता उसका बालक है, बालक का बच्चा है, पिता है, पिता अपनी बेटी का बेटा का बच्चा है, पिता है। I only submit किस किस मुंह से आप लोग सीना ठोक के बोल रहे हो सर, मजाक बना के रखा हुआ है आप लोगों ने, और आज पेपरों में बड़ा बड़ा छपवाया कि हम पकड़ के ले आए हैं। हिम्मत नहीं पड़ेगी जब हमारे 6 अफसरों के ऊपर गाज गिरने की परिस्थिति आ गई तो सर हम तब हम लेके आए उस आदमी को, नहीं दिखाया आप लोगों ने, और फ्रंट पेज के ऊपर न्यूज छापते हैं अपना सीना अपनी पीठ थपथपाने के लिए, ये आपका कंडक्ट है? यू डोंट हैव अ करेज टू से कि यस वी आर इनकॉम्पिटेंट एंड अनलेस एंड अंटिल वी आर मेड टू वर्क बाय द बुक कोड, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। शर्म नहीं आती पुलिस विभाग को यह कहते हुए कि जो अपराधी है, जो अपराध का विचारण फेस कर रहा है, वो गर्भस्थ शिशु का बायोलॉजिकल फादर नहीं है, और जब आपने कोई प्रयास नहीं किया कि वो माइनर लड़की का रियल कल्प्रिट कौन है या वो आदमी कौन है जिसने उस लड़की को प्रेग्नेंट किया, और जब हमने आपसे कहा तो आपने ठेठ भाषा में या शुद्ध भाषा में मना कर दिया था कि हम नहीं पता कर सकते, और तो और उस लड़की की इज्जत तक उछाली गई थी कोर्ट में आप लोगों के पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा। माय लॉर्ड द आप अपने कैंट टीआई के खिलाफ क्या एक्शन चाहते आपको समझ में नहीं आता है कि अगर एक बालिका अपने घर में सुरक्षित नहीं है इस देश में और उसका पिता उसका बलात्कार कर रहा है, किस समाज में ले जा रहे हो आप इस देश को? और आप खड़े खड़े होके आपने बड़े डंके की चोट पे बोला था हम नहीं ढूंढ पाएंगे उस आदमी को, क्यों? क्योंकि बालिका इस तरीके की है। मैं मुझे मेरे पास बोलने के लिए मेरी हिम्मत नहीं है वो शब्द रिपीट करने के लिए जो आप लोगों ने बोले थे ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ टीआई कैट। I will just take instruction. Tell me at 2:15 what action do you propose against TI Kent who had made a specific statement, जो कि पुरानी ऑर्डर शीट में लिखा गया है कि साहब इस तरीके की ये सारी चीजें बोली गई थी। आइटम नंबर 112